जनाब आज मैं आपको बताऊंगी इटालियन पास्ता की रेसिपी कि इटालियन पास्ता कैसे बनता है मज़ेदार इटालियन पास्ता बनेगा विद कीमे के साथ तो यहाँ पे मैं कीमे के साथ मशरूम थोड़ा डाला है और इटालियन पास्ता बड़ा मज़े का जूसी सॉफ़्ट और यकीन जाने लोडेड कीमा है बिल्कुल मीन्स का जो कीमा है वो भर के डाला है बहुत ही मज़े का आज की रेसिपी है तो आपने कहीं नहीं जाना एंड तक देखना है कहीं आपसे ये स्पैगेटी इटालियन स्पैगेटी रेसिपी मिस ना हो जाए तो स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब वेलकम है आपको आज बन रहा है इटालियन स्टाइल में मैं पास्ता बनाऊंगी और उसकी रेसिपी आपको बताऊंगी कि इटालियन स्टाइल में पास्ता कैसे बनता है और आपको बड़ा पसंद आएगा आई होप सो हो। तो आज की वीलॉग आपने पूरा देखना है और एंड तक देखना है स्पैगेटी बन रहा है आ, उसका इटालियन स्टाइल में और बच्चों का फेवरेट सब का फेवरेट तो आपने हमारे मेरे साथ ही रहना है और दूसरी बात यह है कि कहते हैं ना कि छुट्टी वीकेंड या फिर बच्चों का हाफ टर्म चल रहा है बट माओ के लिए कभी छुट्टी नहीं होती माओ को हर वक्त ही अपडेट रहना होता है हर वक्त ही काम करना होता है तो हम माओ के लिए कोई वीकेंड या कोई छुट्टी नहीं होती है आपने ही डेली रूटीन में ही रहना होता है तो यही मेरे साथ भी हो रहा है तो घर पे बच्चे हैं भले वन वीक की छुट्टी है बट खाना पीना पकाना सब फरमाइशी हो रहा है कि ऐसी बात उनको दिल चाहता है कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ तो यही चल रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का भी और आपने एंड तक रहना है चलिए जनाब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है वो बताती हूँ सबसे पहले मैंने पाँच से छः जवे लहसुन के बारीक काट के रख लिए हैं ठीक है थीके? तो मैं आपको दिखाती हूँ लहसन के जवे जो मैंने पहले से काट के बारीक रख लिया है और इसमें जाएगा टमाटर प्यूरी आई मीन टमाटर पेस्ट ये मार्केट में आसानी से ही यू के में मिल जाता है अगर पाकिस्तान में आपको ऐसा ना मिले तो आप छः से सात टमाटर को बॉयल कर लीजिए पाँच मिनट के लिए स्किन निकाल लीजिए और छील के उस को आप ग्रैंड कर लीजिए तो आपका ऐसा पेस्ट बन जाएगा डोंट वरी ये देखिए लहसुन मैंने 5 से 6 डवे लिए हैं प्याज मैं नहीं डालूंगी प्याज काट लिए थे मगर डालना नहीं है मुझे तो इसके साथ-साथ क्या-क्या जाएगा इसमें ये है स्पैगेटी जो मैं यूज कर रही हूं इटालियन स्पैगेटी आप आ, कोई सा भी स्पैगेटी ले लीजिएगा ये देखिए तो ये मेरे पास लगभग एक पैकेट ही होगा ठीक है इसका मैं बनाऊंगी बड़ा जबरदस्त बनेगा और ये देखिए मेरा इसको फ्लावर की तरह मैंने ना इसको इस तरीके से खोल लिया है कैसा लग रहा है ज़बरदस्त लग रहा है ना तो ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ी मस्ती करूँ तो ऐसे वाला बनेगा आज आपका स्पैगेटी इटालियन स्पैगेटी तो चले जी ये कीमा है आधा किलो इसको मैंने पहले से पका लिया है कीमा पकाने का बड़ा आसान तरीका है कि लहसुन अदरक दे के नमक दे के थोड़ा सा सौते कीजिएगा अच्छी तरीके से और हम अपनी मर्जी से थोड़ा मसाला डालिएगा और फिर आपका ये कीमा तैयार है इसमें मैंने थोड़ा मशरूम डाला था और थोड़ा कीमा डाला था फाइव हंड्रेड ग्राम कीमा है पाँच ग्राम और मशरूम मेरे में पाँच से छः होंगे अच्छा इसमें डालेगा ये मिक्स हर हर जगह मिल जाता है इटालियन मिक्स के नाम से तो चलिए जी पैन में सबसे पहले हमने ऑयल डाला वन फोर्थ कप ऑयल में हम सबसे पहले लहसन डाल देंगे जो बारीक कटे हुए थे इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई किया उसके बाद मेरा पका हुआ कीमा जो है वो पूरा मैं डाल दूँगी मैंने पहले से बना के रख लिया था ताकि जल्दी हो जाए और फिर कीमा बनाना तो सबको ही आता है तो मैंने सोचा कि ये स्टेप मैं करके रखूँ तो कीमा मैंने पका लिया था तो इसको मैं दोबारा डाल रही हूँ लहसन फ्राई के ऊपर और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से ताकि कीमा और लहसन अच्छी तरीके से एकजा हो जाए तो स्पैगेटी तो आपने मैंने आपको बहुत सारी बनानी सिखाई है वेजिटेबल स्पैगेटी तो चिकन स्पैगेटी मगर ये इटालियन स्पैगेटी कीमे वाला आप खा के ज़रूर देखें आपको बड़ा मज़े का लगेगा इसमें मैंने मशरूम यूज़ किया है आप चाहे तो कोई और भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं अच्छा इसमें चला गया वन टी मिक्स हर्ब जो मैंने आपको दिखाया था उसके साथ साथ चला जाएगा ये टमाटर प्यूरी टमाटर पेस्ट का पोटल वो मैंने डाल दिए टमाटर पेस्ट इन सब अच्छी तरीके से एक दो मिनट के लिए मिलाएंगे मिलाने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक नमक टीस्पून डालेंगे इसमें नमक डालने के बाद इसको अब हम दोबारा मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसमें डालेंगे फ्रेश कुटा हुआ काली मिर्च हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है काली मिर्च पाउडर और इसको भी डाल के हल्का सा मिलाएँगे बस ये टमाटर और कीमा बिल्कुल पक चुका है अब मैं डालूंगी उबले हुए इस पैगेटी जो मैंने उबाल के रखे थे सिर्फ नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि पैगेटी हमारे चिपके ना तो नमक उस नमक और पानी उस पैकेटी देखे हमने उबाल लिया था इन सबको करेंगे मिक्स 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 जबरदस्त आपका जूसी इटालियन इस तैयार है तो अब हम इसको थोड़ा सा कवर अप करते हैं और ये देखिए मुँह में पानी आ रहा है ना तो अभी छुट्टियाँ हैं बच्चों को बना के खिलाए बहुत पसंद आएगा कीमे के साथ इटालियन पास्ता अच्छा इसके साथ मैं ये मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है थोड़ा सा ऊपर से मैं डीजल करूँगी एक टीस्पून डीजल किया है और बस अब क्या अब कुछ नहीं डालने की ज़रूरत बस गर्मा गर्म खाएं और आपको दिखाती हूँ कि ये बने कितने जूसी हैं बिल्कुल ड्राई नहीं है ये देखें मैं दिखाती हूँ ये है परफेक्ट इटालियन स्पैगेटी रेसिपी तो चलें फोक लेते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं ये देखें मेरे भूमि तो अभी से पानी आ रहा है ये देखें कीमे इसे लोडेड ये देखें सबर्त हमारा बन गया है तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इन शाला बेनज़ीर आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लेके आती रहेगी तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए इन मिलते हैं नेक्स्ट वीलाग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज